नमस्कार विद्यार्थियों, मैंने अपने पिछले व्याख्यान में लॉर्ड वेवेल योजना एवं कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में बात की थी। उसी व्याख्यान की निरंतरता में आज हम एक अन्य नवीन विषय पर बात करेंगे। ये जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये है सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं कि प्रतिभागियों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। जब भी आप मेरे इस व्याख्यान को सुनो तो एक बात जरूर ध्यान रखिए कि मैं अपने व्याख्यान के दौरान जो भी उद्धरण, जो भी उदाहरण, जो भी कोटेशंस मैं बोलता हूँ, वे सभी किसी न किसी दृष्टि से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो आप मेरे इस व्याख्यान को ध्यान से सुनिए। मैं पिछले व्याख्यान की निरंतरता में ही आज का यह व्याख्यान शुरू कर रहा हूं। मेरा यह व्याख्यान लॉर्ड माउंटबेटन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। मित्रों, आपको यह तो सब विदित है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल बदल गया, क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान जहां वहां कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, वहीं युद्धोपरांत जो चुनाव हुए उस चुनाव में वहां लेबर पार्टी की सरकार बनी, यानी मजदूर दल की सरकार बनी। और मजदूर दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ही यह घोषित कर दिया था कि यदि ब्रिटेन में हमारी सरकार बनी तो हम भारत को आजाद कर देंगे। और ब्रिटेन में हुए चुनाव में मजदूर दल को भारी मतों से विजय प्राप्त हुई, और जैसा कि उन्होंने वादा किया था, अपने वादे के मुताबिक उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। और यह पहला प्रयास था कि उन्होंने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा। 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय बनकर आए। देखो, अंतिम मैं बोल रहा हूं क्योंकि इनके बाद में कोई अन्य वायसराय आगे नहीं रहा, क्योंकि ब्रिटेन का यहीं से संपर्क भारत के साथ औपनिवेशिक संपर्क खत्म हो जाते हैं। 23 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना पद ग्रहण किया और बहुत सोच समझकर, बहुत विश्लेषण के साथ, बहुत राजनीतिक दलों और राजनीतिक नेताओं से विचार विमर्श के बाद 3 जून 1947 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे हम सामान्यतया माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। इन्होंने अपनी यह रिपोर्ट भारत के सभी प्रमुख दलों से विचार विमर्श करके, सभी प्रमुख दलों से अलग अलग एवं सामूहिक वार्तालाप करके यह निष्कर्ष निकाला कि अब भारत को और अधिक समय तक परतंत्र नहीं रखा जा सकता। अर्थात भारत में अब ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई कि भारत को स्वतंत्र करना अपरिहार्य है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत के दो प्रमुख राजनीतिक दल, राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग, जो मोटे तौर पर दो बड़े संप्रदायों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, एक हिंदू समुदाय का और दूसरा मुस्लिम समुदाय का, ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो अब किसी भी स्थिति में भारत को अधिक दिनों तक परतंत्र नहीं रखा जा सकता। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, दोनों दलों के अपने अपने उद्देश्य थे। यहां आप लोगों को ये बात ध्यान में मैं दिलाना चाह रहा हूं, गांधी जी ने पहले ही घोषित कर रखा था कि यदि भारत का विभाजन होगा
तो मेरी लाश के ऊपर से होगा। जहां माउंटबेटन ने अपनी योजना में कहा कि इन दोनों संप्रदायों के आपसी झगड़ों से निजात दिलाने का एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र रास्ता पाकिस्तान एवं भारत यानी दो स्वतंत्र राज्यों का निर्माण यानी भारत का विभाजन। और गांधी जी ने पहले ही घोषित कर रखा था यदि विभाजन होगा तो वह मेरी लाश के ऊपर से होगा। यानी गांधी जी किसी भी रूप में किसी भी तरह से भारत को विभाजित होने नहीं देना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी विकट हो गई कि जहां देखो वहीं हिंदू और मुसलमानों में आपसी झगड़े हो रहे थे, सब जगह मारकाट मची हुई थी, लूट हत्या रेप डकैती की घटनाएं आम हो गई थी। और इन परिस्थितियों में सरदार पटेल ने अपने एक भाषण में एक वाक्य कहा, यह कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। सरदार पटेल ने कहा कि यदि शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है तो उसे काटकर फेंक देना ही अच्छा है, नहीं तो वह नासूर बन जाएगा। यह बात जब सरदार पटेल ने कही तो गांधी जी इस बात को सुनकर मौन हो गए। और जब कोई व्यक्ति किसी बात पर चुप हो जाता है तो चुप का मतलब सामान्यतया हाँ समझा जाता है। और यहीं से भारत विभाजन का एक तरह से मार्ग प्रशस्त हो गया। और इन परिस्थितियों में लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि हम अगस्त 1947 तक भारत को सत्ता सौंप देंगे, यानी भारत को विभाजित भी कर देंगे और भारत को सत्ता सौंप देंगे। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो अपनी योजना प्रस्तुत की थी उस योजना को 18 जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद के पटल पर रखा गया और ब्रिटिश संसद ने अपने बहुमत से इस रिपोर्ट को पारित कर दिया। और यहीं से भारत शासन अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधान निम्न प्रकार हमारे सामने आए। इस अधिनियम में कहा गया कि भारत एवं पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राज्यों का निर्माण होगा। एक पाकिस्तान और एक भारत। पाकिस्तान मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेगा एवं भारत शेष हिंदू और अन्य धर्मावलंबियों से बहुल क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेगा। इस अधिनियम में कहा गया कि पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश है, पश्चिमी पंजाब, सिंध, सिलहट, बलूचिस्तान एवं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत शामिल होंगे तथा शेष सभी ब्रिटिश प्रांत भारत में शामिल होंगे। आगे इस अधिनियम में कहा गया कि देसी रियासतें चाहे तो भारत या पाकिस्तान में से किसी भी भूभाग में शामिल हो सकती हैं, अथवा वे चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। और ये जो वाक्य इस रिपोर्ट में कहा गया, इसी से कश्मीर और हैदराबाद से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हुई, क्योंकि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ना तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, ना वो तात्कालीन परिस्थितियों में भारत में शामिल होना चाहते थे। उनकी मनसा थी कि हम स्वतंत्र कश्मीर करके एक नया राज्य बनाएंगे। इसी प्रकार हैदराबाद के निजाम भी अपना एक स्वतंत्र राज्य चाहते थे। और ये समस्याएं काफी दिनों तक रही। कश्मीर की समस्या तो अभी तक बरकरार है,
हैदराबाद की समस्या को बाद में हल कर लिया गया, लेकिन कश्मीर की जो ये समस्या है ये वहीं से उत्पन्न हुई और आज तक चली आ रही है। इस अधिनियम के माध्यम से एक रेड क्लिफ आयोग का गठन किया गया। एक सर रेड जो लॉर्ड माउंटबेटन के बहुत अच्छे मित्र थे और वे आए तो भारत में घूमने थे, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी और वो खुद भी ये जानते थे कि यह जिम्मेदारी एक तरह से आत्मघाती होगी, क्योंकि जब किसी भूभाग का विभाजन किया जाता है तो किसी भी भूभाग के निवासियों को संतुष्ट करना आसान काम नहीं है, ये रेड क्लिफ अच्छी तरह जानते थे। लेकिन क्योंकि इनको जिम्मेदारी दी गई, इसको इन्होंने बखूबी निभाया। इस रेड क्लिफ आयोग के माध्यम से दोनों राष्ट्रों के बीच सीमाओं के अलावा बसें, ट्रक, ट्रेनें, हवाई जहाज, कच्चा माल एवं अन्य आर्थिक संसाधनों का बंटवारा किया गया। और आपको पता है आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसे हम रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं, वो इसी वजह से कहा जाता है। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के प्रथम गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीके कृष्ण मेनन के प्रयासों से लगभग 565 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर 15 अगस्त 1947 तक भारतीय संघ का निर्माण कर लिया गया था। कुछ रियासतें ऐसी भी थी जो बाद में भी भारत में शामिल हुई। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ एवं हैदराबाद ऐसी रियासतें थी जिन्होंने भारतीय विलय पत्र पर 15 अगस्त 1947 तक हस्ताक्षर नहीं किए थे। जूनागढ़ और हैदराबाद ने बाद में हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन कश्मीर ने 1948 में जब कश्मीर में कबायली पाकिस्तान की ओर से कबायली हमला हुआ उसके बाद में कश्मीर ने एक अधिग्रहण पत्र पर हस्ताक्षर किया, लेकिन इस तारीख से पूर्व तक कोई हस्ताक्षर नहीं हुए थे। गोवा पर 15 अगस्त 1947 तक गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था एवं पुदुचेरी पर फ्रांसीसियों का औपनिवेशिक आधिपत्य था, जिन्हें बाद में स्वतंत्र करवाया गया। आपको पता है कि ये जो भूभाग हैं ये उस समय आज़ाद नहीं हुए थे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या संपूर्ण भारतीय क्षेत्र 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि गोवा और पुदुचेरी अभी भी औपनिवेशिक प्रतंत्रता के जाल में थे, औपनिवेशिक प्रतंत्रता के आधिपत्य में थे, तो ये अभी तक एक साथ में भारत आज़ाद नहीं हुआ, इनको बाद में आज़ाद करवाकर भारतीय संघ में मिलाया गया था। तो यह जो मेरा व्याख्यान है ये आपको लाभान्वित करेगा। इससे आगे की बात हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आप सभी को धन्यवाद।